हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी नगर 24 चैनल में। आज हम देखेंगे मनुष्य में परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कि कौन कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होते हैं, और बहुत ही ट्रिक के साथ उसे याद करेंगे। ऐसे ही हम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस प्रकार से एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारी ट्रिक है पप्पू काम पर सोता है, ये हमारी ट्रिक है। तो पास से हो जाएगा पहरिया। पहरिया एक रोग होता है जो किसके द्वारा होता है, तो उस परजीवी का नाम है एंटामीबा जिंजीवेलेस। इस परजीवी के द्वारा होता है, इससे क्या करता है, ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो इससे मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं, जिससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे फैलता है, दूसरों में कैसे फैलता है, भाग कौन होता है, तो इसका भाग होता है एक ही बर्तन में खाना खाने से या चुंबन के द्वारा ये रोग फैलता है। जो आप देख रहे हो ऊपर, ये क्या है, पहरिया है, जो दांतों को आपने नजर आ रहा है। फिर दूसरा है हमारा कासे काला ज्वार, या काला अजार भी बोलते हैं, या काला ज्वार भी बोलते हैं। ये लैशमानिया डोनावानी के द्वारा होता है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा हमारी प्रभावित हो जाती है। ये फैलाता कौन है, तो ये बालू मक्खी फैलाती है, जो आपके नमी वाले स्थानों, कम रोशनी वाले या मिट्टी में रहती है। ये मनुष्य को काट लेगी, जिससे कि मनुष्य को क्या हो जाएगा, काला ज्वार हो जाएगा। ये एक प्रकार का बहुत तेजी से बुखार आने वाला, जैसे मलेरिया, मलेरिया मां से मलेरिया होता है, इसमें प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक परजीवी है जो क्या करता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित कर देता है, ये अंग को प्रभावित कर देता है। ये मच्छर के द्वारा होता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाता है, जो आपको ऊपर दिखाया गया है, तभी तो कहा गया है ये मच्छरदानी का प्रयोग है। पास है पेचिस, पेचिस का है एंटामीबा हिस्टोलिट का, ये परजीवी है एंटामीबा हिस्टोलिट का, और ये क्या करता है, आंत को प्रभावित करता है। अगर आप प्रदूषित खाना खाएंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आपको पेचिस हो जाएगी। ये एंटामीबा आपकी आंत में घाव कर देता है, घाव करने से ब्लड निकलने लगता है, जो पेचिस का रूप धारण कर लेता है। फिर हमारा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी सोता से है, ये कौन सा परजीवी है, ये टिपैनोसोमा परजीवी के द्वारा होता है। तो टिपैनोसोमा परजीवी आपको कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, सोने की बीमारी। ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जो हमारा अंग है मस्तिष्क, उसको प्रभावित करती है, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है। फैलाता कौन है, ये एक सीसी मक्खी होती है, जिसके द्वारा ये फैलता है, ये मनुष्य को काट लेती है, जिससे कि मनुष्य को क्या हो जाता है, सोने की बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखे मनुष्य में परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसी तरीके से आपको वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस से होने वाले रोग एक एक करके मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।